हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी को जो आपका ग्रीष्मकाल अवकाश चल रहे हैं, ठीक है, उस अवकाश में आपको रोज़ गृह कार्य दिया जा रहा है। तो बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे। हिंदी हमारा विषय जो रहेगा, कक्षा हमारी पहली की मैं बात कर रही हूँ, दिनांक 28 अप्रैल का यहाँ गृह कार्य देखते हैं। वार हमारा बुधवार। प्रश्न देखिए, दिए गए स्वर को देखकर लिखने का अभ्यास करें, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ आपको अ दिया गया है, आप सभी को अ लिखना है। अ कैसे लिखते हैं आप सभी को आना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखिए, इसी पे आप अपनी अपनी पेंसिल इस तरह से फेरेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से, ठीक है। अगला देखिए, अ के बाद आता है ए से अनार और आ से आम, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपको इस तरह से आपको लिखना सीखना है, किस तरह से आएगा ये। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, अ और आ से शुरू होने वाले दो दो फलों के चित्र बनाएं, जैसे अ से अनार और अ से अनानास। तो बच्चों देखिए, अ से अनार आप सभी को पता है, ऐसे ऐसे इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें आप सभी को क्या करना है, लाल रंग भरना है। आप सभी को पता है अनार हमारा लाल रंग का होता है, ठीक है। तो इस तरह से लाल रंग भरेंगे इसमें हम, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे करना है, ठीक है बच्चों। अगला आपको क्या करना है बच्चों, आ से आम होता है। तो बच्चों अनानास, आम, आम आप सभी को पता है। देखिए बच्चों, इस तरह से आपको दो दो फल के चित्र बनाना है, जैसे मैंने अनार और आम का यहाँ बनाया है, आप अनानास और आड़ू का भी यहाँ चित्र बनाएंगे। अगला देखिए बच्चों, खाद्य पदार्थ आपके नाना नानी की पसंद का खाना। देखिए बच्चों, खाद्य पदार्थ में आपको क्या लेना है, आपके नानी नानी का, नाना नानी का जो मनपसंद खाना है, जैसे कि नाना नानी का है खीर और आलू की सब्जी और पूड़ी, आलू सब्जी और पूड़ी। तो मैंने खाने में मेरी माताजी से खीर, आलू की सब्जी और पूड़ी बनवाई है और मैंने खाने में ये सब खाया है। तो आप सभी अपने नाना नानी का जो भी मन पसंदीदा खाना है वो सभी आप बनवाइए और खाने में खाइए। पेय पदार्थ चना सत्तू या दूध। देखिए बच्चों, चने का सत्तू आप सभी जानते हैं और दूध, इन दोनों में से आप कोई एक चीज़ पीने के लिए लीजिए। परिवार के साथ समय, परिवार के साथ समय कैसे बिताना है बच्चों, आपको उनके साथ खेल खेलना है आँख मिचोली, ठीक है, अपने परिवार के साथ घर में खेलें। गतिविधि, घर के सभी सदस्यों को कोरोना टीका लगवाने के लिए कहना। देखिए बच्चों, आप सभी के परिवार में जो भी 18 वर्ष से ज़्यादा हैं उन सभी को आपको बोलना है कि 1 मई से उन्हें अपना कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य है। बच्चों देखिए, आप सभी को पता है कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके बचाव के लिए हम सभी को टीकाकरण करवाना ज़रूरी है। तो बच्चों, आप सभी अपने जो भी घर में सदस्य है जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है, उन्हें बोलिए कि वो कोरोना का टीका अवश्य लगवाएँ, ठीक है बच्चों। सभी को आया समझ में? तो बच्चों इस तरह से आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी जो वर्कशीट है उसे कंप्लीट कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों, आप सभी का दिन मंगल हो, शुभ हो।